भोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने महज एक सप्ताह के अंदर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौटा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा के लूटकांड में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि बीते माह के 27 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौटा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर फायरिंग करते हुए 1,62,400 रुपये लूट लिए गए थे। लूट के दौरान क्रॉस फायरिंग में अपने साथी के ही गोली से लुटेरे अभिषेक कुमार को गोली लग गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद एसपी राकेश कुमार दुबे के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी रितेश पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके पश्चात पुलिस ने छापेमारी कर लाइनर का काम करने वाले चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद छापेमारी कर तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में नवादा थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी चौकीपुर चंदवा निवासी सुजीत कुमार उर्फ टेंगरा, बढ़ारा थाना क्षेत्र के नेकनाम टोला गांव निवासी हिमांशु सिंह एवं नगर थाना क्षेत्र के गोसगंज निवासी आशीष यादव है। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से बैंक लूटकांड में लूटे गए 1,62,400 रुपए नगद, लूटकांड में इस्तेमाल किए गए 7.65 mm का पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 जिंदा गोली, दो देशी कट्टा व एक जिंदा गोली एवं एक मिसफायर गोली, मोबाइल एवं कांड में प्रयोग किए जाने वाले 2 NS मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दिनांक 27/4 को पिछले मंगलवार को मुफस्सिल थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में एक लूट की घटना पारित की गई, जिसे भोजपुर पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया और उसमें एक घायल जो अपराधकर्मी था उसको चिन्हित कर उसके पूरे गिरोह को चिन्हित किया गया और लगातार हम लोग आरा और भोजपुर और उसके आसपास के जिलों में छापामारी कर अभी तक 9 अपराधियों को हम लोगों ने पकड़ा गया। इसमें करीब 9 अपराधी थे, जिसमें एक तो मारा गया, एक अपराधी अभी गायब है और साथ साथ एक जो लूट की राशि थी 2,35,000 उसमें से 1,62,000 हम लोग बरामद किया गया। उसमें जो लाइनर चार आदमी थे उन चार लाइनरों को पकड़ा गया, मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त थे जिससे वो लोग भागे अपराध करने के बाद वो दोनों मोटरसाइकिल भी पकड़ाए और एक जो फरार है वो जल्दी हम लोग की गिरफ्त में आएगा। हमारी टीम पूरे इस कोविड काल में पूरे लगन पूरे मेहनत के साथ काम की है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।